समझता हूँ कि इस बात को हम लोगों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। बीजेपी या आरएसएस आज के डेट में इसलिए मजबूत नहीं हो गई है कि वो बहुत अच्छे हैं। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि बुरे लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। हम कमजोर हो गए। इस बात को आप समझिए, हम इसलिए कमजोर हुए, और जब हम कहते हैं तो बीजेपी के अलावे सब उसमें शामिल हैं। हम इसलिए कमजोर हुए हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। मुझे बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस को छोड़ करके इस देश में स्कूल चलाती हो, कॉलेज चलाती हो, नौजवानों का क्लब खोलती हो, अपना मीडिया हाउस बना लिया हो। अब बताइए, कुछ पत्रकार तो ऐसे लगते हैं जैसे पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही संघ ऑफिस से लिखवा करके लाते हैं। तो हमने ये काम नहीं किया, ना मीडिया चैनल्स बनाए, ना स्कूल खोला, ना कॉलेज खोला, कोई मैकेनिज्म नहीं है। कुल मिला करके हमने इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं किया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे हमेशा सरकार का अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस होता है थ्रू डेमोक्रेसी। और ये बहुत आसान है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये बहुत आसान है कि माइनॉरिटी का वोट लेकर के मेजोरिटी की सरकार बना ले और उस पर कब्जा करके वो उसके पूरे के पूरे चरित्र को, उसके पूरे के पूरे करेक्टर को, पूरे के पूरे इतिहास को 5 साल में बदल करके रख सकते हैं। हम लोग फुल्ली डिपेंड करते थे एनसीईआरटी पे, आईसीएसआर पे, ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इस पे सरकार बदलेगी, इसका पूरा का पूरा चरित्र बदल जाएगा। इसके काउंटर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सेकुलरिज्म के आइडिया को स्ट्रांग करने के लिए, सोशलिज्म के आइडिया को स्ट्रांग करने के लिए हमको पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना चाहिए था। ये गलती कांग्रेस भी की और बाकी लेफ्ट पार्टियों ने भी किया, बाकी सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं उन लोगों ने भी किया। नतीजा क्या हुआ? सत्ता का चरित्र होता है, जब आप सत्ता में जाते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो कांग्रेसियों का भी दिमाग खराब हुआ, सोशल डेमोक्रेट थे उनका भी दिमाग खराब हुआ, और लेफ्टिस्टों का भी दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग खराब होने से क्या हुआ, जनता विकल्प ढूंढने लगी। और विकल्प क्या मिला, मतलब विकल्प मिला 56 इंच मोदी जी। अब मैं इसको ऐसे कहूँ कि आपको अगर भूख लगे तो क्या जो है आप डस्टबिन में से कचरा उठा के खा लेंगे? ठीक है, कांग्रेस ने गलत किया, लेफ्ट ने गलत किया, सोशल डेमोक्रेट्स ने गलत किया, सेकुलर पार्टियां जो है परिवारवादी हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को सत्ता सौंप देंगे जिनको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ही विश्वास नहीं है, जो मनुस्मृति को अपना सबसे अच्छा ग्रंथ मानते हैं। आप उनको सत्ता सौंप देंगे जो तिरंगा को झंडा ही नहीं मानते हैं। ये गलती इस देश में हो गई। और जो जन आंदोलन हुए, उस जन आंदोलन में हाफ पेंट को छुपा करके ऊपर से धोती पहन करके ये शामिल हो गए, उसको भी आप लोग नहीं देख पाए। तो ये बहुत आसानी से पिछले 100 साल में, 100 साल होने वाला है, मेहनत करके इंस्टीट्यूशंस बनाते रहे और इसको हम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। हर इंस्टीट्यूशन में घुस करके, आईआईसी के भी मेंबर हो गए, तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस करके ये डेमोक्रेसी को कमजोर करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को फालतू बताते रहे, बाबा साहब को सबसे बेकार आदमी जो है लोगों के जहन में शामिल करते रहे, हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेवार ठहरा दिया, और जो कि पूरी की पूरी कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को ही फालतू बता दिया। और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे तो उनका जवाब गाली के अलावे, उनका जवाब ये होगा कि क्या ये सब 2.5 साल में ही हुआ? नहीं, ये सब 2.5 साल में नहीं हुआ, पिछले कई सालों में हुआ, लेकिन 2.5 साल में और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। फिर वो क्या कहेंगे कि चलिए मोदी जी के खिलाफ आपकी सारी बात को मान लेते हैं, तो विकल्प क्या है? अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं 2.5 साल के बाद। कल को तो ये भी कह सकते हैं कि चुनाव पे बहुत खर्चा होता है और चुन के भी जो है शराबी लोग आते हैं, अनैतिक लोग आते हैं, तो चुनाव ही बंद कर दो। अब आप देखिए, ये नॉर्मल चर्चा में होता था। ट्रेन में मैं जब जाता था बेगूसराय से पटना, बिहारी लोग ट्रेन में पॉलिटिक्स पे सबसे ज़्यादा चर्चा तो वो जो है कहते थे कि इस देश में मिलिट्री राज कायम होना चाहिए। बताइए, अब वो दिन दूर है क्या? वो दिन अब दूर नहीं है। किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी को धीरे 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 बदला गया। एक आम लड़का जो ठीक से गांधी जी कहाँ पैदा नहीं हुए हैं ये नहीं जानता है, लेकिन ये जानता है कि गांधी जी ने देश तोड़ दिया।
ये जो साइकी है, हमारा जो साइकोलॉजी है, उसमें जो चीजें डाली गई है मुसलमानों के खिलाफ, दलित, अगर अगर दलित है तो उसको जो है उसके अंदर जो अलग अलग सेगमेंट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनाव होने वाला है, जाटव के खिलाफ जो नॉन जाटव हैं उसके दिमाग में, जो ओबीसी है उसके दिमाग में ईबीसी के खिलाफ, जो ईबीसी है उसके दिमाग में ओबीसी के खिलाफ, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके मन में जो गरीब और कमजोर जनरल है उसके भी खिलाफ, मतलब हमारे अंदर जो रैशनैलिटी थी सबको जो है, कहते हैं ना, एक ऐसे इल्यूजनरी सिचुएशन में पहुंचा दिया गया है कि आप कॉन्क्रीटली कुछ बोल ही नहीं सकते। और दिक्कत क्या हुई है, आज का समय सूचना क्रांति का समय है, हर आदमी के पास जियो इंडिया, लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल पे हर कोई सूचना को एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सूचना कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, इसका कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। अब बोल दिया गया, हमारा फोटो लगा करके लिख दिया कि सेना सिर्फ बलात्कार कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक इसके पास की बात नहीं है। किसको किसको आप समझाते रहेंगे कि नहीं कन्हैया ने ये नहीं बोला है, और लोगों के ऊपर एक विजुअल इम्पैक्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल किया गया ताकि पूरे देश को बताया जाए जेएनयू एंटी नेशनल है। पहले भी ये कोशिश करते थे, इनका जो स्वामी है वो भौंक रहा था कि जेएनयू जो है बहुत खराब जगह है, और पांचजन और ऑर्गेनाइजर में भी उन्होंने जेएनयू के खिलाफ लिखा, लगातार वो लिखते रहते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे थे। लेकिन डॉक्टर्ड वीडियो और राज्यसभा पहुंचने का लोभ, ये दोनों जब एक हो गया तो देखिए कितना पावरफुली लोगों के इमेजिनेशन पे कब्जा किया गया, पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कैप्चर किया गया कि एक बड़ा सेक्शन जो है उससे इन्फ्लुएंस हो गया था। इस पूरे बात से हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस के खिलाफ जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं, रैशनल लोग हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, उनको एक मंच पे आना चाहिए इस देश को बचाने के लिए, और उनको इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहिए। और वो इंस्टीट्यूशन जब हम खड़ा करेंगे मीडिया हाउस के अंदर भी, और जब हम मीडिया की बात करते हैं इसका बड़ा ही विस्तृत फलक है, सोशल मीडिया के अंदर भी, और हम अल्टरनेटिव मीडिया की भी बात कर सकते हैं, और जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको हम कंटिन्यूअसली इसलिए चलाएं ताकि सही सूचना लोगों तक पहुंचाई जा सके, और उसी की कोशिश के रूप में मैंने ये किताब लिखी है। पता नहीं कितना हो पाएगा क्योंकि इसके बारे में भी एक गलत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फैलाई है। खुद की किताब खुद लिखने में 7 महीने लग गए, 3 महीने में ही उन्होंने इसी टाइटल से मेरे नाम को, मेरा नाम कन्हैया है, उन्होंने कन्हैया लिख करके इंटरनेट पर ऑलरेडी डाल दिया है। तो वो इतना एक और किताब, पैरोडी किताब ऑलरेडी इंटरनेट पे डाल दी गई है। तो ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, इस वॉर ऑफ परसेप्शन को हमको हेड ऑन लेना पड़ेगा, तमाम तरीके के न्यू मीन्स का इस्तेमाल करके इस पॉलिटिकल लड़ाई को आगे बढ़ानी होगी। एंड पॉलिटिक्स नॉट फॉर द सेक ऑफ पावर टू ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी। This book is an ode to JNU और आपका उन JNU के साथ जो relationship है, but I think अब तक सब audience में सब जान चुके हैं कि आपने ABBP के बारे में भी क्या लिखा होगा। तो मैं ये जान, अगला प्रश्न मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या JNU में आकर के ABBP के बारे में आपने ideas form किए, या फिर पहले से ही जब आप पटना में थे या फिर गांव में थे तब से ही आपको लगा कि ये ideology मुझे ठीक नहीं बैठती है? नहीं, मैं कहता हूँ कि जेएनयू और पटना से पहले मेरे गांव से ही मुझे ये बात पता चल गई। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ये लोग गांधी की हत्या में शामिल थे, और गांधी से असहमत होने के बावजूद गांधी का एक कंट्रीब्यूशन मुझे लगता था। और मैं बता देता हूँ, बेगूसराय में अच्छी बातें तो हैं, एक सबसे बुरी बात यह है, बहुत ही फ्यूडल जगह है, इसीलिए अम्बेडकर के बारे में मुझे पढ़ने लिखने को बेगूसराय में कोई अवसर नहीं दिया गया। अंबेडकर के बारे में सिर्फ हम यही जानते थे कि उन्होंने संविधान लिखा है, इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब भी उन्होंने लिखी है, ये जानकारी मुझे बेगूसराय में नहीं मिली थी। ठीक है, तो लेकिन गांधी के बारे में हम लोगों को बहुत पढ़ाया जाता था, गांधी जयंती, लाठी, चश्मा, अहिंसा, सत्य, सब कुछ समझाया जाता था। तो हमको लगता था कि सब कुछ ठीक है क्योंकि किसी भी नौजवान को भगत सिंह ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, मुझे भी करते थे। लेकिन गांधी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी
जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर गांधी की वो कौन सी ताकत थी कि उन्होंने जनता के तमाम सेक्शन के लोगों को एक छाता के नीचे ले आए और साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के विरोध में जो आज़ादी का आंदोलन था उसको एक नया शक्ति दी। तो उस लिहाज से मुझे गांधी के प्रति एक संवेदना थी, और हिंदू मुसलमान को जिस तरीके से समाज में लड़ाया जाता है उसके बारे में जो दुर्भावना फैलाई जाती है उसको लेकर के मेरे दिमाग में हमेशा एक अंतर्विरोध चलते रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी के जो सबसे अच्छे दोस्त थे इत्तेफाक से वो मुसलमान थे, और घर में जो बहस होती थी उसको मैं बड़े करीब से सुनता था और उसको समझने की कोशिश करता था। और फिर कोई सिनेमा देख लिया, जैसे वो नाना पाटेकर हाथ फोर करके लो तुम्हारा खून मिला दिया, वो बहुत असर करता था दिमाग पे। तो ये जो बातें थी उन बातों के चलते मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि किधर भी जाइए मगर उधर मत जाइए, ये तो मुझे